IPL 2022 के 15वें मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ 6 विकेट से हार झेलनी पड़ी। इस मैच में पृथ्वी शो के अलावा दिल्ली टीम का कोई भी बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल पाया, लेकिन हार के बाद दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत पर एक वजह से जुर्माना लगाया गया है। दरअसल लखनऊ सुपर जॉइंट्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत पर स्लो ओवर रेट के लिए 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। IPL के कोड ऑफ कंडक्ट के तहत दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान ऋषभ पंत को ओवर रेट का दोषी माना गया। मैच के दौरान सभी टीमों को तय समय के अंदर अपने 20 ओवर पूरे करने होते हैं। अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो टीम के कप्तान पर स्लो ओवर रेट के तहत जुर्माना लगाया जाता है। वहीं आपको बता दें कि IPL 2022 में ऋषभ पंत अपनी लय में नजर नहीं आ रहे। वो IPL 2022 में कोई भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए। मुंबई इंडियंस के खिलाफ पहले मुकाबले में उन्होंने 1 रन बनाया था, वहीं लखनऊ टीम के खिलाफ वो 36 गेंदों में 39 रन ही बना पाए। पिछले सीजन में उनकी कप्तानी में दिल्ली टीम ने प्लेऑफ तक का सफर तय किया था, लेकिन इस IPL मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स को 3 मैचों में दूसरी हार मिली है। और अब 10 अप्रैल को दिल्ली कैपिटल्स का सामना श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली KKR से होगा। देखना होगा कि इस मुकाबले में ऋषभ पंत की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स क्या कमाल दिखाएगी। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइन स्पोर्ट्स के साथ।